घाव तीज तलवा के पुराते हैं तत्काल। तीर से तलवार से कोई चोट लगती है, जख्म होता है, समय पर भर जाता है, पीड़ा इत्यादि भी नहीं होती, पपड़ी आ जाती है, चपड़ी आ जाती है, उसके ऊपर चिन्ह तक नहीं रहता। वाणी का जो तीर लगता है उसका घाव स्वामी महाराज कहते हैं इतना गहरा एवं इतना गंभीर होता है, ना ही भरता है ना ही उसकी पीड़ा ही खत्म होती है, सब काल सदा उसकी पीड़ा रहती है। कलाब जी से अर्ज की जा रही थी, सत्य भी कहना है तो बहुत समझदारी से कहना चाहिए, बहुत संभल के कहना चाहिए, मिठास भर के कहना चाहिए। ये बात है तो सत्य ही, पिता डैडी हमारे मम्मी के हस्बैंड हैं, लेकिन ऐसा कहता तो कोई नहीं, मेरी मम्मी के हस्बैंड, ये पिता कहने का ढंग नहीं, गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मम्मी का जो हस्बैंड होता है उसे ही पिता कहा जाता है, डैडी कहा जाता है, लेकिन कोई ऐसा पुकारता नहीं है। सत्य भी कहो तो बहुत सोच समझ के मीठा डाल के उसमें कहिएगा। नाम साधक चुनो राम नाम, जो स्वामी जी महाराज की कृपा से परमेश्वर के पास से हमें मिला है, हमारे हृदय को प्रेम से परिपूर्ण कर देता है और जीवा को माधुर्य से। ये दो चीजें, दो देन जो नाम की हैं, कभी भुलाने वाली नहीं। यदि ऐसा अभी तक नहीं हुआ तो सदक्षिणों अपने अंदर खोट देखनी चाहिए, कुछ और उपाय करने चाहिए, नाम की साधना और बढ़ानी चाहिए, ताकि जो चीज कही गई है कि नाम से हमें मिलती है वे अभी तक मिली नहीं। जिभा की कटुता गई नहीं, कठोरता गई नहीं, अभिमानी शब्द बोलने में बिल्कुल परहेज नहीं करती, ईर्ष्या भरे मान मारने में बिल्कुल कभी इसको लिहाज शर्म नहीं है। स्वाद से साक्षी इसका बड़ा संबंध है, बड़ा गहरा संबंध है। जिस जीवन से अभी तक स्वाद नहीं भरा वह जीवा मीठा भी नहीं बोल सकेगी, बहुत गहरा संबंध है। एक ही इंद्री ऐसी है जिसके पास परमेश्वर ने दो काम दिए हुए हैं, स्वाद लेने का एवं कुछ बोलने का। रस इंद्री भी है, ये मानो कर्म इंद्री भी है और ज्ञान इंद्री भी है, ऐसा और किसी इंद्री में नहीं आता है। बहुत महत्वपूर्ण इंद्री ये जिह्वा, दोनों पर अंकुश रखने की जरूरत है, दोनों पर निगरानी रखने की जरूरत है। कहीं स्वाद से चस्का तो नहीं ले रही, बहुत सचेत रहिएगा इस जीवा के बारे में। जिसकी ये इंद्री संयमी हो जाती है साधक जन, समझ लीजिएगा वह सर्वेंद्रिय संयमी हो जाएगा, बाकी इंद्रियां सब इसी के अधीन लगती हैं, ऐसा संत महात्मा कहते हैं। ये एक जिह्वा जिसके नियंत्रण में आ जाती है, बाकी इतनी इंद्रियां हैं और हैं, ये सब की सब नियंत्रण में हो जाती हैं, एक इसके नियंत्रण होने पर।
भाव तीव्र तलवार के पुराते हैं तत्काल। एक दृष्टांत के माध्यम से देखिए देवियों, कहानी सत्य है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मर्म सत्य है। एक ब्राह्मण एवं एक शेर की मित्रता हो गई, अनहोनी सी बात है, पर कहानी इसी प्रकार की है, हो भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हर शेर खाने वाला ही नहीं होता, हर एक को खाने वाला नहीं होता, उनके अंदर भी हृदय है, भले ही दिया का भाव नहीं है, वह मनुष्य में ही होता है, उनके अंदर दिया नहीं है, पशुओं के अंदर। लेकिन मित्रता निभाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई इनका उपकार करता है तो शेर भी उस उपकार को भूलता नहीं है। एक दफा कहते हैं, कहानी थोड़ी बदल गई, एक दफा कहते हैं किसी शेर के मुख में हड्डी फंसी हुई थी, हड्डी फंसी हुई है तो मुख बंद नहीं हो रहा, मानो जिएगा कैसे, हाँफ रहा है। सारे के सारे शेर मांसाहारी है, शाकाहारी नहीं है कोई भी, सब मांस खाने वाले हैं, पशु का मिले पशु, इंसान का मिले तो बात ही क्या है। हड्डी फंसी हुई है, मुख जबड़ा बंद नहीं हो रहा, निकले कैसे, बिचर रहा है बेचारा बेचैन। एक संत ने देखा, सोचा विश्वसनीय पशु तो नहीं है, लेकिन इस वक्त पीड़ाग्रस्त है, किसी न किसी ढंग से इसकी पीड़ा दूर करनी चाहिए, हो सकता है ये पीड़ा या पीड़ा ही ना हो, मानो जानलेवा हो, खत्म हो जाएगा ये, मेरा क्या जाता है, मरना ही है, आज नहीं कल, परमेश्वर ने इस ढंग से मरना लिखा है तो डरना क्या। तैव हिम्मत करके उसके मुख में हाथ डाल दिया, हड्डी निकाल दी, शेर की जान में जाना ही, मानो सिर झुका के तो वापस लौट गया है। मित्रता का भाव भीतर याद रहा। कहानी इस प्रकार की है, इस संत को किसी कारणवश कोई अपराध नहीं, कुछ नहीं, राजा ने पकड़ लिया, कहा इसे वैसे नहीं मारूंगा, शेर के आगे डाल दो, अपने मर जाएगा, संयोग की बात कहिएगा, कैसे भी कहिएगा, वही शेर जिसकी जान इस संत ने बचाई थी, उसी शेर से सामना हुआ, उसी पिंजरे में पकड़ लिया, उस शेर को उस पिंजरे में डाला जिसमें वो शेर था। शेर ने सूंघा इसे, चरणों में प्रणाम किया, प्यार किया, खाने से इनकार कर दिया। उनके इन अंदर भी हृदय है, प्रेम को, प्रेम एक ऐसी भाषा है दिव्य सज्जनों, जिसे हर कोई पहचानता है। इंसान ही कभी कभी मूर्खता करता है, लेकिन प्रेम को हर कोई पहचानता है। बात चल रही थी एक शेर की, एक ब्राह्मण की मित्रता हो गई,